अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। मेरा नसीब है बस तेनू चाहते जाना और तेनू पाना एक अरमान। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात। से फिल्म को लेकर हुआ विवाद, कितना बजट है इस फिल्म का, कब होगी फिल्म की रिलीज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। गदर फिल्म 2001 की सबसे पॉपुलर मूवीज में से एक थी, जिसे आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। ये फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन पर बेस्ड है। फिल्म में भारत और पाकिस्तान की बात हो और जनता देखना ना चाहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही 90s के हीरो सनी देओल इस फिल्म से बहुत ही पॉपुलर हुए थे और इसके साथ ही साथ इस फिल्म में पहली बार लीड हीरोइन का किरदार निभा चुकी अमीषा पटेल को लोगों ने बहुत सराहा था। लेकिन उसके बाद हमें अमीषा पटेल और सनी देओल की केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिली। हालांकि अब पब्लिक के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, गदर एक प्रेम कथा का पार्ट 2 गदर द कथा कंटिन्यू बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म में एक बार फिर से हमें इन्हीं दोनों एक्टर्स की लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसका इंतजार दर्शक वर्षों से कर रहे थे। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और इस फिल्म की लोकेशंस की बात करें तो ये फिल्म भी वहीं शूट की जा रही है जहां इसका पहला पार्ट शूट हुआ था। पालमपुर के भलेंड गांव में 10 दिन तक सनी देओल और अमीषा पटेल की मूवी गदर 2 की शूटिंग हुई। फिल्म की शूटिंग के कई मुख्य सीन पालमपुर में फिल्माए गए। कांगड़ा के पालमपुर के भगेड़ गांव में फिल्म के शूटिंग के दौरान 10 दिन तक लाइट कैमरा एक्शन की आवाज से गांव गूंज रहा था, जिसे देखने के लिए दूसरी जगहों से भी लोग आए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीच में विवाद किस बात का हुआ। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस मकान में फिल्म की शूटिंग हुई थी उसके मकान मालिक को फिल्म मेकर्स के साथ रेंट को लेकर विवाद हो गया था। मकान मालिक की माने तो फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 3 कैमरे और एक हॉल के इस्तेमाल के लिए 11,000 प्रतिदिन की बात हुई थी, लेकिन फिल्म में पूरे घर के साथ 2 कर्नल जमीन और बड़े भाई का घर भी शूट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पर जब घर के मालिक ने सारा बजट बनाकर नुकसान सहित 56 लाख रुपए की फीस बनाई, जिस पर विवाद छिड़ गया। हालांकि विवाद होने के बाद भी फिल्म की शूटिंग तो हो ही गई और फिल्म मेकर्स वहां से जा भी चुके थे। गदर 2 फिल्म के बजट से पहले हम बात करते हैं गदर एक प्रेम कथा का बजट कितना था। इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट 9 करोड़ था। हालांकि अगर हम गदर 2 फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इसके बजट को अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट पहली फिल्म से दुगना होगा। नवाज ने गदर 2 के हीरो को क्यों छोड़ना पड़ा था उत्कर्ष को गदर 2 के लिए देश। Hi everybody, this is Prachi, your host for today with another interesting video. Director Anil Sharma ki film Gadar ko release hue kaafi samay ho chuka hai. Is film mein Sunny Deol aur Amisha Patel hame dikhai diye the. Saath hi saath ye film ek blockbuster hit sabit hui thi. Logo ko is film ki kahani behad pasand aayi thi. Sunny Deol ko Pakistan mein gadar machate dikhaya gaya jo darshakon ko khoob bhaya. इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का किरदार निभा रहे थे चाइल्ड एक्टर उत्कर्ष शर्मा। मूवी में उत्कर्ष शर्मा का नाम चरणजीत था और लोगों को इनका किरदार खूब पसंद आया था। उत्कर्ष शर्मा अब 27 साल के हो चुके हैं और काफी हैंडसम दिखते हैं। वहीं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दे कि उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। गदर फिल्म का असर ऐसा था कि इस फिल्म ने सनी देओल और अमीषा पटेल के करियर को एक बड़ा उछाल दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा था? तो वो थे उत्कर्ष। उत्कर्ष ने इस फिल्म से जब पॉपुलैरिटी गेन कर ली तो अनिल शर्मा ने उन्हें उनकी पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। वो वहाँ पे 4 साल रहे। वहाँ से लौटने के बाद उन्हें बतौर हीरो लॉन्च करने पर काम शुरू हुआ। फिल्म जीनियस से उन्होंने डेब्यू किया बट फिल्म से कुछ खास सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। अब उत्कर्ष जल्द ही गदर 2 के सीक्वल में हमें नजर आने वाले हैं।
एक सैनिक की भूमिका में उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं और उन्हीं को बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में घुस जाएंगे। हम तो उत्कर्ष को सोल्जर के किरदार में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मैं प्राची आपसे लेती हूँ अलविदा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या गदर की रियल स्टोरी पर ये बेस्ड है गदर 2? गदर 2 की कहानी कैसे मिलती है बजरंगी भाईजान की कहानी से? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुत ही चर्चित फिल्म थी जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया था। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में हमें नजर आए थे। वहीं इस फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे लव स्टोरी पर बेस्ड थी। गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया है जो एक असली कहानी से प्रेरित थी। ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की। ये वही समय है जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। बता दे, एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था तभी उसकी नजर अचानक एक लड़की पे पड़ती है जो भागी दौड़ी उसकी तरफ आ रही थी और कुछ लड़के उस लड़की के पीछे पड़े थे और वो लड़की बूटा सिंह से मदद मांग रही थी। और ये कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में था। जब उस लड़की को फिर उस बूटा सिंह से प्यार हो जाता है और आगे चलकर वो दोनों शादी कर लेते हैं और बाद में उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पाकिस्तान जा चुकी जैनब के घर वाले को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा सिंह और उसकी बेटी हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी और दर्दनाक मोड़ तब ले लेती है जब बूटा पाकिस्तान पहुंच जाता है जैनब से मिलने। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। वहां पे बूटा उससे काफी मिन्नतें करता है उसके साथ हिंदुस्तान चलने के लिए, पर जैनब उसे मना कर देती है। जैनब के ना कहने से टूटा बूटा लाहौर के ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। लेकिन गदर की कहानी को रियल कहानी से हटकर बनाने के लिए इसमें तारा को फौजी नहीं बनाया गया और न ही सकीना की जैनब की तरह दूसरी शादी करवाई गई। गदर में प्यार और फैमिली के लिए सारी हदों को पार करते हुए दिखाया गया है। गदर 2 जब आ रही है तो उसमें उत्कर्ष उर्फ जीते एक सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे देखकर ये कहीं ना कहीं लग रहा है गदर 2 की कहानी भी पहले पार्ट से इंस्पायर्ड है। गदर 2 की कहानी की शूटिंग हिमाचल में स्टार्ट कर दी गई है क्योंकि पहले पार्ट की कहानी में बूटा सिंह एक सैनिक था और अब उत्कर्ष एक सैनिक है। तो इस कहानी में ये हो सकता है जब वॉर के टाइम जो लोग पाकिस्तान के हिंदुस्तान रह गए थे उन्हें जीत एक अच्छे सिपाही की तरह वापस उनके देश छोड़ कर आएगा और वहाँ पहुँच कर जीते को खुफिया जासूस समझकर हिरासत में ले लिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था बजरंगी भाईजान में, जब सलमान खान मुन्नी को छोड़ने जाते हैं तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं, अगर बजरंगी भाईजान के पास देश का साथ था तो जीत के पास उसके पिता का साथ है और उनके पिता का किरदार निभाने वाले हैं सनी देओल। लेकिन ट्विस्ट तो तब आएगा जब पाकिस्तानी सरकार को ये पता चलेगा कि तारा कोई आम इंसान नहीं है। ये वही सकीना का पति है जो उसे सरकार के नाक के नीचे से ले गया था और अब तो बात उसके बेटे की है। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए कमेंट कर हमें जरूर बताएं। सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, जिसे लोगों ने ढेर सारा प्यार भी दिया था और जिसे लोगों ने खूब सराहा भी था। इसी के साथ आपको बता दें कि इस जोड़ी को भी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था और अब 20 साल पूरे होने पर इस फिल्म का सीक्वल भी आ रहा है जो कि है गदर 2, जिसमें इस जोड़ी की वापसी करते हुए आपको बड़े पर्दे पर दिखाई देगा। फिलहाल गदर 2 की पूरी टीम हिमाचल में रुकी हुई है और हिमाचल की हसीन वादियों में इसका शूट किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म के एक्टर यानी कि सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमेज शेयर की है जहां उन्हें तारा सिंह के अवतार में देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म की पहली शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जब उन्होंने वो इमेज शेयर की उन्होंने उसके साथ एक कैप्शन भी लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ भाग्यशाली लोगों के ही ऐसे अद्भुत पात्रों को जीने का वापस मौका मिलता है और साथ ही 20 साल बाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं तारा सिंह।
इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ इसके पहली शेड्यूल की शूटिंग पूरी होने के बाद। इस पोस्ट को देखते हुए सनी देओल के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि पाजी अब जल्दी से शूटिंग खत्म कीजिए क्योंकि हम आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म यानी कि गदर 2 रिलीज होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी कहा कि फिल्म की शूटिंग हिमाचल में हो रही है तो यह पालमपुर के एक छोटे से गाँव भलेड में हो रही है जिसके लिए मेकर्स ने एक प्रॉपर्टी मालिक से उनकी प्रॉपर्टी को किराए पर लेने के लिए 11,000 में बात की थी लेकिन अब प्रॉपर्टी के मालिक ने लाखों का बिल थमा दिया है। प्रॉपर्टी मालिक का कहना है कि इन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है। प्रॉपर्टी मालिक का ये दावा है कि मेकर्स ने उन्हें सिर्फ 3 कमरे और 1 हॉल की बात की थी जिसके लिए उन्होंने 10 दिन का किराया 11,000 लगाया लेकिन अब उनका कहना है कि मेकर्स उनके पूरे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनके बड़े भाई की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी शूटिंग में कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिली के बीच काफी कुछ दिक्कतें आई है और इसीलिए उन्होंने गुस्सा होकर के मेकर्स को लाखों का बिल थमा दिया है। लेकिन इसके बारे में मेकर्स की तरफ से या तो उसके एक्टर्स की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। सनी देओल और अमीषा पटेल इन दिनों भी सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहे हैं। शूटिंग से जुड़ी कुछ पिक्चर्स और हिमाचल में आनंद लेते हुए कुछ पिक्चर्स और वीडियोस वो हमेशा ही शेयर करते रहते हैं। इसी दौरान सनी के पिता यानी कि धर्मेंद्र ने अपनी बेटी की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा कि आपको स्नो का आनंद लेते हुए देख बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मेरा ढेर सारा प्यार और आप अपना ध्यान रखना। वाकई फोटो में सनी ने काले कलर का कैप पहना और अपने गले में मफलर पहने और उनके सर पर और उनके आसपास ढेर सारी बर्फ पड़ी हुई नजर आ रही है और वाकई में इसमें सनी शानदार लग रहे हैं। इसी के साथ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी गदर 2 की टीम फिलहाल हिमाचल 2 की कहानी हो गई है लीक। क्यों जाएंगे आखिर तारा पाकिस्तान? क्या होगा फिल्म में जीते का रोल? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आजकल सिर्फ 2 ही चीजें चर्चा में है, एक कोरोना का सेकेंड पार्ट ओमिक्रॉन और गदर का दूसरा पार्ट गदर 2। तो बस बॉलीवुड डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसी चर्चाओं को बरकरार रखते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल जैसे सितारे दिखाई देंगे। फिल्म गदर 2 में सनी देओल के साथ उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे जो गदर में दिखाई दिए थे। फिल्म गदर के पहले पार्ट में सनी देओल अपनी पत्नी के लिए पाकिस्तान गए थे और बॉक्स ऑफिस हिल गया था। फिल्म गदर 2 में भी सनी देओल फिर से पाकिस्तान जाएंगे लेकिन इस बार वो दूसरी वजह के चलते सीमा पार करेंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी 1970 और 1971 में हुई भारत पाकिस्तान लड़ाई के आसपास घूमती दिखाई देगी। 1971 के भारत पाक युद्ध का पहला बीज 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही बो दिया गया था। अब तारा और जीते सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी लड़ेंगे। दोस्तों बता दें कि उत्कर्ष शर्मा फिल्म में एक सैनिक का किरदार निभाते दिखेंगे जिनकी जान बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में घुसेंगे। गदर के पहले पार्ट में दर्शकों को तारा और सकीना की लव स्टोरी दिखाई गई थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास घूमती इस फिल्म की कहानी में अनिल शर्मा ने खूबसूरत लव स्टोरी पिरोई थी जिसे दर्शकों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। दोस्तों गदर 2 में अनिल शर्मा 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई दिखाने वाले हैं। इसमें उत्कर्ष शर्मा भारतीय सैनिक का किरदार निभाएंगे और इस लड़ाई के दौरान तारा सिंह के बेटे की जान पर बनाएगी क्योंकि तारा का बेटा जीते हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होगा लेकिन किन्हीं कारणों से वो पाकिस्तान में फंस जाएगा जैसे कि रियल लाइफ में कई बार हो चुका है। लाख कोशिशों के बाद भी वो लोग जीते को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें लगेगा कि ये कोई जासूस है। पाकिस्तानी सरकार अपनी सुरक्षा को देखते हुए जीते के साथ बुरा व्यवहार करेगी जो उसके पिता तारा को पसंद नहीं आएगा और बस जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी से लगता है कि अनिल शर्मा पिता और बेटे के रिश्ते को बड़े पर्दे पर दिखाने के मूड में है। वो अपने बाप बेटे के रिश्ते को पहले भी फिल्म अपने में दिखा चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। वो एक बार फिर से यही फॉर्मूला आजमाने जा रहे हैं। दोस्तों आपके अनुसार अनिल शर्मा इस बार कामयाब होंगे या नहीं हमें जल्दी से अपनी राय कमेंट में बता दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। हसी वादियों में कैसी नजर आई सकीना? कौन सा वीडियो शेयर किया अमीषा ने?
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। भारत में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है हिमाचल प्रदेश, जो अपनी सुंदरता, पर्यटन स्थल और आकर्षक जगहों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ की झीलें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्राचीन मंदिर पर्यटकों का बहुत ही आकर्षित करते हैं। ये एक बेहद ही पसंदीदा स्थल है जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि हिमाचल ऐसी जगह जहाँ आप धरती पर तो होंगे लेकिन स्वर्ग की अनुभूति जरूर होगी। यहाँ की हसीन वादियाँ, खुला आसमान में गदर 2 शूटिंग चल रही है। तो चलिए हसीना सकीना की हिमाचली अंदाज वाली वीडियो पर आते हैं और बताते हैं कि उनकी वीडियो में क्या क्या दिख रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपनी मूवी गदर 2 के लिए हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में शूटिंग कर रही है। गदर 2 में एक बार फिर तारा सिंह और सकीना की जोड़ी नजर आने वाली है। मूवी में उनके साथ काम कर रहे हैं एक्टर सनी देओल भी उनके साथ समय पालमपुर में है। इस दौरान अमीषा पालमपुर की प्राकृतिक खूबसूरती देख बेहद एक्साइटेड है। पालमपुर के खूबसूरत पहाड़ों के बीच से अमीषा ने वीडियो शेयर किया है जिसमें यहाँ के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। अमीषा पटेल ने ट्वीट कर ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पालमपुर की खूबसूरत वादियों और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते बन रही है दर्शकों। वीडियो शेयर करते हुए अमीषा ने लिखा है, पालमपुर की सुबह एक वीडियो जरूर डिजर्व करती है। 6:40 प्रकृति की सुंदरता, कम तपाती ठंड लेकिन बेहद शांत। इस वीडियो में अमीषा किसी पूल पर खड़ी सामने झरझर बहती पानी और खूबसूरत वादियों को निहार रही होती है। वीडियो के बैकग्राउंड में प्रार्थना की आवाज सुनाई दे रही है। फैंस इस वीडियो पर रिप्लाई करते हुए पालमपुर की खूबसूरती की तारीफें कर रहे हैं। बता दें कि लंबे समय बाद अमीषा पटेल बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। अमीषा मूवी गदर 2 के दूसरे कलाकारों के साथ पालमपुर में शूट कर रही है। वहीं इस मूवी को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल मूवी की शूटिंग पालमपुर के जिस घर में हुई है वहाँ पर पैसे के लेन देन को कुछ विवाद खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक शूटिंग के दौरान वहाँ बने चाय के बागान को नुकसान पहुँचाया गया है। वहीं घर के मालिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं, साथ ही उनकी अनुमति के बिना ही घर के दूसरे हिस्से में शूटिंग की गई है। वेल दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर। पहले ही क्यों गदर 2 फंसी विवादों में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, बॉलीवुड के हिट एंड फिट एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं गदर 2 की शूटिंग शुरू होने के साथ ही ये फिल्म विवादों में आ गई है। गदर 2 की शूटिंग पिछले करीब 10 दिनों से हिमाचल प्रदेश में चल रही है। पालमपुर के पास स्थित भलेड़ गांव में इस फिल्म का शूट जारी है। दरअसल कांगड़ा में पालमपुर के भलेड़ गांव के जिस मकान में गदर 2 की शूटिंग चल रही है उसके मकान मालिक ने फिल्म के मेकर्स पर पैसे ना देने का आरोप लगाया है। घर के मालिक का आरोप है कि जितना पैसा कंपनी द्वारा शूटिंग के बाद दिया जाना था उसे देने के लिए कंपनी अब मना कर रही है। यही नहीं, मकान मालिक ने ये भी दावा किया है कि फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 3 कमरे और 1 हॉल का इस्तेमाल किए जाने की बात हुई थी जिसका किराया 11,000 प्रतिदिन तय हुआ था। लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म के लिए पूरा घर ही बिजी कर दिया। उन्होंने शूटिंग के लिए फिल्म का पूरा घर बिजी किया, 2 कनाल जमीन और बड़े भाई का घर भी शूटिंग के लिए यूज किया और जब पैसे देने की बारी आई तो मना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब घर के मालिक ने पूरा बिल यानी कि 56 लाख रुपए बनाकर जिसमें उसने अपना नुकसान भी ऐड किया था वो मेकर्स को दिया। मेकर्स भी बौखला गए, ये क्या हो गया। वहीं सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 की बात करें तो ये फिल्म साल 2001 में आई गदर का सीक्वल है। मूवी में दोनों ही स्टार्स ने लीड रोल प्ले किया था और अब गदर 2 में भी वही स्टार कास्ट नजर आने वाली है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म का सालों से इंतजार था। जब रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, उसके साथ लगान भी रिलीज हुई और लगान को भी पीछे छोड़ दिया था गदर 2 ने। गदर के डायलॉग इतने ज्यादा फेमस हुए थे कि आज भी सबकी जहन में जिंदा है। चलिए उन डायलॉग के बारे में आपको बता देते हैं। जब सनी देओल कहते हैं एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, मुझे मेरे बच्चों को उसकी माँ से मिलाने के लिए कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। वहीं ये डायलॉग अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। वहीं एक डायलॉग में सनी देओल बोलते हुए नजर आते हैं, बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। वहीं ये डायलॉग सुनिए,
दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपकी छत पर तिरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। इस डायलॉग से सभी के गूज़बम्प्स उठ गए थे। वही दोस्तों एक डायलॉग था, अगर मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो सबके सर काट भी सकता हूँ। और जब सनी देओल जोश और जुनून के साथ ये डायलॉग बोलते हैं तो सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं। अब गदर 2 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप कितना वेट करें गदर 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में। कैसा रहा है अमीषा पटेल का करियर ड्रॉप? किस फिल्म के बाद फ्लॉप रही उनकी फिल्में? क्या गदर 2 नहीं करना चाहती थी अमीषा? सनी देओल और अमीषा पटेल की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा के दूसरे पार्ट यानी कि गदर पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उस समय ना सिर्फ फिल्म बल्कि इसके गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे। सेट से सामने आई फोटोज में सनी और अमीषा गदर 1 जैसे लुक्स में ही नजर आ रहे हैं। इसका पहला सीन सनी पर ही फिल्माया गया था। फिल्म में सकीना का किरदार निभाने वाली अमीषा लंबे समय बाद यानी लंबे ब्रेक बाद किसी फिल्म में नजर आने वाली है। अमीषा शायद पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी पहली दो फिल्मों से जितना स्टारडम कमाया है वो शायद ही किसी एक्ट्रेस ने अपने पूरे करियर में नसीब किया है। आज हम आपको अमीषा के बदलते हुए लुक्स और करियर्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों अमीषा पटेल ने 18 साल के करियर में 40 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन इसके बावजूद अमीषा के करियर का ग्राफ कई सालों तक ऊपर नहीं रहा। गदर ने उनके करियर में ऐसे 4 चांद लगा दिए मानो पूछो ही मत। 12 घंटे ऑडिशंस देने के बाद अमीषा को गदर पार्ट 1 की लीड एक्ट्रेस के तौर पर फाइनल किया गया था। हालांकि साल 2002 के बाद अमीषा का करियर ग्राफ लगातार गिरता ही गया। फिल्मों में सादे अंदाज में नजर आने वाली अमीषा असल जिंदगी में काफी बोल रही हैं। आजकल वो कई स्कूलों में एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स में अवार्ड गिविंग इवेंट्स और कभी कभार बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में दिखाई दे जाती हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अमीषा को फिल्म पाने और लाइमलाइट में रहने के लिए बोल्ड फोटोशूट तक का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके अलावा अमीषा कई बार धोखाधड़ी के मामले में भी फंस चुकी हैं। हालांकि इन सब के बावजूद उनके लिए फैंस का प्यार वो कभी कम नहीं हुआ, चाहे जो हो जाए। फैंस हमेशा ही इस इंतजार में थे कि अमीषा एक दिन उन्हें गदर जैसी फिल्म में वापस दिखाई देंगी, वही जादू बिखेरेंगी वही जुनून के साथ। तो आप देखिए मेकर्स और अमीषा ने उनके फैंस की पुकार फाइनली सुन ली और अमीषा गदर 2 जैसी क्या गदर 2 ही में ही वापस आ रही हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि गदर 2 के लिए अमीषा ने एकदम से हामी या नहीं भरी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद इस बार फैंस उन्हें पिछली बार जितना प्यार नहीं देंगे और ये फिल्म के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अमीषा फिल्म का हिस्सा भी बनी और शूटिंग भी शुरू कर दी? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, इसका आंसर जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे चैनल के साथ यानी कि बॉलीग्राड स्टूडियोज को। फटाफट सब्सक्राइब करना है और इसके अगले पार्ट के आने का इंतजार करना है। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी एक्ट्रेस और उनके उस किरदार के बारे में जो पिछले 20 साल से उनके अंदर है और उसे दोबारा जीने के बाद वह बिल्कुल वंडर वुमन जैसे फील कर रही। अरे आपने अभी तक नहीं पहचाना वही जिनको लेने के लिए फिल्म में उनके पति पाकिस्तान तक चले गए थे। हाँ अब सही पहचाना है आपने, हम बात कर रहे हैं गदर 2 की लीड एक्ट्रेस यानी कि अमीषा पटेल की। तो अमीषा का कहना है कि जब गदर 2 के सेट पर पहली बार उन्हें सकीना की कॉस्ट्यूम मिली तो वो बिल्कुल वंडर वुमन जैसे फील कर रही थी और यहाँ तक कि जब फिल्म की पूरी टीम एक साथ काम करने आई तो सेट पर नॉस्टैल्जिया सा घूम रहा था। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि मैं खुद को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे फिर से यह किरदार निभाने का मौका मिला, क्योंकि ऐसा इंडस्ट्री में काफी कम ही होता है। और इतना ही नहीं, लोगों के दिल में गदर के सारे किरदार ऐसे बसे हुए हैं कि वो बिल्कुल बेताब है यह जानने के लिए कि इन सालों में तारा सिंह और उसके परिवार में क्या हुआ। अमीषा का मानना है कि गदर मुगले आजम, शोले और टाइटैनिक आइकॉनिक फिल्मों में आई है। हालांकि उन्हें कभी दूसरा चांस नहीं मिला और उनका दूसरा पार्ट भी नहीं आया, लेकिन हमें मौका मिला है और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट फील करती हूँ। आपको बता दें कि पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा जोश में है और पैशनेट भी। वहीं जी स्टूडियो फिर से गदर को प्रोड्यूस कर रही है जिन्हें अनिल सर और फिल्म पर बहुत ज्यादा भरोसा है। अभी गदर 2 को देखकर लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि 20 साल के गैप के बाद वह इस फिल्म को देखने आए हैं। इस फिल्म में कमाल के डायलॉग्स होंगे, कॉमेडी होगी, गाने होंगे और बहुत कुछ। आपको बता दें कि एक ऐसा सिनेमा जो कि काफी सालों से मिसिंग था,
गदर 2 से वही सब वापस लौटने वाला है। तो दोस्तों अमीषा की ये बातें सुनकर हम तो ऐसी और बातें जानने के लिए काफी ज्यादा बेकरार है। क्या आप भी जानना चाहते हैं फिल्म से जुड़ी ऐसी ही और दिल? 6 साल की उम्र में ही गाने वाली ये सिंगर कौन है? कौन है जिसे इतनी खूबसूरत आवाज के बावजूद करना पड़ा था स्ट्रगल? आज के बॉलीवुड के गाने को लेकर ये क्या कह दिया था इस सिंगर ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं अलका याग्निक जी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपने दिलकश आवाज से लोगों को दीवाना बना दिया, एक आवाज जो लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे कलाकारों के बाद अगर बहुत मशहूर हुई है तो वो उन्हीं की आवाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक जी की। आइए आज उनके बारे में कुछ बेहद ही खास और अनजानी बातें हम आपको बताते हैं। अलका का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी माँ शुभा एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थी। उन्होंने ही अलका को संगीत की ट्रेनिंग दी। मात्र 6 साल की उम्र में अलका ने कोलकाता में ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी के लिए गाना शुरू किया। 10 साल की उम्र में उनकी माँ उन्हें मुंबई ले आई। यहाँ उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों का कहना था कि उनकी आवाज में मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन जब राज कपूर ने अलका की आवाज सुनी तो उन्हें उनकी आवाज का जादू साफ दिखाई दिया। राज कपूर ने उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत के पास भेज दिया। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने अपना पहला गाना फिल्म पायल की झंकार के लिए गाया था। साल 1981 में फिल्म लवारिस के लिए उन्होंने मेरे अंगने में गाया, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला फिल्म तेजाब में, जिसमें उन्होंने 1, 2, 3 गाया और लोगों पर उनकी आवाज का जादू चारों ओर फैल गया। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड भी मिला। बस फिर क्या था, अलका याग्निक का करियर चल पड़ा और उन्होंने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। क्या आप जानते हैं कि अलका 1100 फिल्मों में करीब 24,000 से भी ज्यादा गाने गा चुकी हैं? जी हाँ, पिछले कुछ सालों से लेकिन वो गाना बंद कर चुकी है। इसकी वजह है वो आज के संगीत में बदलाव को मानती हैं। बॉलीवुड के गानों में इतना बदलाव आ गया है कि 90 के दशक के सिंगर जैसे कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक को काम मिलना ही बंद हो गया है। अलका का मानना है कि बॉलीवुड में गानों की मधुरता खो गई है और उसकी जगह फुहड़ता ने ले ली है। बहरहाल एक बेहद ही खास फिल्म गदर एक प्रेम कथा में उन्होंने उदित नारायण के साथ मिलकर एक खूबसूरत गाना गाया था जिसका नाम है उड़ जा काले। T5 की OTT शो कबूल है 2.0 में नजर आई थी। आपको बता दें कि उनके सपोर्टिंग रोल वाली गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल बन रहा है जिसमें कई नए पुराने स्टार्स होंगे। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि लिरेट फिल्म में नहीं होंगी। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सारा अली खान को लिया जाएगा, जिसके लिए मेकर्स का मानना है कि लिरेट उनकी मां के रोल के लिए ज्यादा एज्ड लगेंगी। पर आखिर कौन होगा फिर सारा की मां के रोल में, जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को। क्या तारा सिंह के रोल के लिए चुना गया था गोविंदा को? किसकी रियल लाइफ से ये रियल लाइफ अलग थी? बॉलीवुड में क्या फिर वापसी करेंगे ची ची गदर से? आज हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे शख्स की जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम जुदा है, लेकिन फिर भी वो एक ही फिल्म के लिए कास्ट हुए थे। अगर एक आग है तो एक पानी, अगर एक गुस्सा है तो दूसरा हंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और गोविंदा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो साथ कभी नहीं देखा गया। तो जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पर अगर मैं कहूँ कि आप ये सोचे कि गदर में सनी की जगह गोविंदा हैंडपंप उखाड़ते तो आपको भी हंसी आई ना? इसी तरह गोविंदा को भी आई। गदर एक प्रेम कथा के लिए सबसे पहले गोविंदा को तारा सिंह के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, जो बाद में सनी देओल ने किया। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले ही ना नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पूरे बॉलीवुड पर उनका ही राज था।
80s 90s के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की थी जो सुपर हिट होती थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाने लगा था कि अगर गोविंदा फिल्में नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालांकि अपने करियर के पीक पर गोविंदा ने भी बहुत सी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा के हाथ से एक सबसे सुपरहिट फिल्म निकली थी गदर, जो सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक साबित हुई। गदर एक प्रेम कथा फिल्म देखने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस फिल्म में सनी की जगह कोई और ले सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सनी देओल से पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर की गई थी। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि गदर के मेकर्स उनके पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। उन्हें फिल्म पसंद भी थी, लेकिन एक खास वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। गोविंदा ने बताया था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल दिखाया गया था उसके लिए वो खुद को उतना फिट नहीं मानते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि ये रोल उनकी